Hello everyone, welcome to my channel Blazon Mantra. मैं हूं श्रुति मिश्रा and this will be the class for Limited Liability Partnership Act 2008. So as always, this will be relevant for everybody who is studying business law as part of their syllabus. आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम का, CA, CMA, CS, कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, अगर वहाँ पर बिजनेस लॉ आपके कोर्स का पार्ट है तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज पूरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को अच्छे से समझाने वाली हूँ. चलिए शुरू करते हैं. इन दिस वीडियो ऑफ LLP एक्ट वी विल बी स्टार्टिंग विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. जैसे आपने कंपनीज एक्ट में देखा है, कंपनी कैसे शुरू की जाती है, पहले उसको इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है. तो LLP को भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी पहले इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है. अब इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये बताता है सेक्शन 11, ठीक है. और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते हैं हम. तो अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देख रहे हो उन सारी चीज़ों को उस आंसर में लिखना मैंडेटरी होगा. सबसे पहले क्या चाहिए LLP को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए? तो एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, ठीक है. 2 लोग अगर नहीं है तो LLP फॉर्म नहीं की जा सकती है. 1 पर्सन से सिर्फ 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन हो सकता है, बाकी किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता है. और इन 2 लोगों को जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है LLP का, उस पर इनका नाम होना चाहिए. डॉक्यूमेंट कहाँ फाइल करना है? विद द रजिस्ट्रार, ठीक है. कौन सा रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास LLP के भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे. उसके बाद स्टेटमेंट कंफर्मिंग कंप्लायंस विद LLP एक्ट, उसमें एक स्टेटमेंट भी होगा जो ये बताएगा कि LLP एक्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, उनको फॉलो करके ही इस फॉर्म को या इस डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जा रहा है रजिस्ट्रार के पास. अब इस स्टेटमेंट पे किसका सिग्नेचर चाहिए? एक एडवोकेट का, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का, जो लोग की कंपनी के फॉर्मेशन में जुड़े हुए थे, जिन्होंने हेल्प किया है कंपनी के फॉर्मेशन में, एंड 1 ऑफ द सब्सक्राइबर्स, ठीक है. जैसे अगर 2 ही सब्सक्राइबर हैं LLP के तो एटलीस्ट 1 का वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए. कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है? तो पहले तो जो फॉर्म गवर्नमेंट देगी उसी फॉर्म में सारे इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है. तो उसके बाद LLP का नाम डालना होता है, क्या बिजनेस LLP करने वाली है ये डालना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा वो, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. फिर जितने भी लोग वहाँ पर पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने वाले हैं LLP के अंदर, उनका नाम और एड्रेस, और भी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन LLP एक्ट मेंशन करता है फॉर इनकॉर्पोरेशन. अब इस ये सारे जो डिक्लेरेशन देने हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है, उसमें जो भी स्टेटमेंट बताना है, जो भी इन्फॉर्मेशन देना है, वो अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा? तो वो अगर फॉल्स होता है तो जिस पर्सन ने भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स और फाइन 10,000 से लेकर 5 लाख के बीच में उस पर इम्पोज किया जा सकता है. अब सेक्शन 11 में बता दिया क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. सेक्शन 12 बता रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब है जब रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद इन 14 days ऑफ कंप्लायंस विथ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. जब सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके रजिस्ट्रार को मिल गए, उसके 14 days के विद इन अगर सारा इन्फॉर्मेशन सही है जो प्रोवाइड किया गया है, तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में 14 days के विद इन इस LLP को रजिस्टर कर लेगा. और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा, जिस पे रजिस्ट्रार का साइन होगा और ऑफिशियल सील लगा होगा. तो जैसे कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही LLP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिसका क्या मतलब है कि वो अब एक लीगली वैलिड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो चुका है और वो अब बिजनेस अपना शुरू कर सकता है एज एन LLP. अब सेक्शन 13 कहता है कि कोई रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करवाना चाहता है, ठीक है, तब क्या प्रोसेस है? एवरी LLP मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस, ठीक है. ये तो हमने सेक्शन 11 में भी देखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। अब इसके बाद कोई एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को एड्रेस चेंज करना चाहता है तो वो कैसे होगा, वो रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस फाइल करना होता है जहाँ पर ये नोटिस दिया जाएगा कि एलएलपी का जो एड्रेस है वो चेंज किया जा रहा है। नॉन कॉम्प्लायंस अट्रैक्ट्स अ पेनाल्टी ऑफ 500 पर डे, और अगर इस नोटिस को रजिस्ट्रार को दिए बिना एलएलपी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो 500 पर डे के हिसाब से जो फाइन है वो इम्पोज किया जाएगा एलएलपी के ऊपर, जो कि मैक्सिमम अमाउंट उसका कितना हो सकता है 50,000 तक। मतलब जब तक नोटिस नहीं दिया जाता है रजिस्ट्रार को तब तक एवरी डे 500 रुपीज़ फाइन जो है वो ऐड होता जाएगा। सेक्शन 14 बताता है कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, एलएलपी जो है वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है जो इसके पास कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड है। वो अपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, उसके पास एक कॉमन सील हो सकता है अगर एलएलपी चाहता है तो, और उसको एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह एलएलपी एक्ट के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस को कंडक्ट करना होता है। अब आते हैं नेमिंग प्रोविजन पे जो कि है सेक्शन 15। तो एलएलपी का जो नाम है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होना चाहिए या एलएलपी लिखा होना चाहिए। तो एलएलपी का जो भी नाम रखा जा रहा है, लेट्स से एबीसी एलएलपी, तो एबीसी एलएलपी उसका पूरा नाम होगा या एबीसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसका पूरा नाम होगा। कुछ नेम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है अगर वो किसी और कंपनी या किसी और बिजनेस से सिमिलर है या किसी और एलएलपी के नाम से सिमिलर है तो उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। कोई एलएलपी अगर चाहती है तो वो अपने नाम को रिजर्व भी करवा सकती है। अगर उसके पास कोई यूनिक नेम है और कोई एलएलपी चाहता है कि जब तक वो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पूरा ना करवा ले तब तक कहीं उसका नाम कोई और यूज़ ना कर ले, तो उसके लिए नेम का रिजर्वेशन भी करवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 16। इसमें क्या होगा, एक एप्लीकेशन दिया जाएगा रजिस्ट्रार के पास और उसमें ये कहा जाएगा कि मैं अपने एलएलपी का ये नाम रखना चाहता हूँ, इसको आप रिजर्व करके रखिए। तो कुछ फीस लेकर उस नाम को रिजर्व कर दिया जाएगा। और सेक्शन 17 के हिसाब से allows LLP to rectify inadvertent registration of a name identical or similar to another entity subject to central government direction and procedures। जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ names को central government because of being similar with other business या same with other businesses उसको reject किया जा सकता है, ये power central government के पास है। So let's revise the steps for incorporation of LLP। तो सबसे पहले अगर कोई नाम रिजर्व करवाना चाहता है तो वो पहले नाम रिजर्व करवा सकता है एप्लीकेशन देकर। उसके बाद से जो भी डिटेल्स हमने देखा था सेक्शन 11 के हिसाब से जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको फाइल किया जाएगा ई फाइलिंग से रजिस्ट्रार के पास। और उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। इट विल बी फिल्ड इन ई फॉर्म विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब सेकेंड प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, जब इनकॉर्पोरेशन हो गया है तब उसके 30 days के विद इन, अगर पहले ही एलएलपी अग्रीमेंट दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जाता है तो 30 days के विद इन, इनकॉर्पोरेशन के 30 days के विद इन जो एलएलपी अग्रीमेंट है वो भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना होता है, तभी जाके जो इनकॉर्पोरेशन है वो वैलिड रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। तो सेक्शन 22 बताता है कि अपॉन इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइबर्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बिकम पार्टनर्स। ठीक है, जिन लोगों ने भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम दिया था वो सारे पार्टनर्स हो जाते हैं। एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू एलएलपी अग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही लोग पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में, बाद में भी बन सकते हैं। जो भी तरीका दिया होगा नए पार्टनर को लाने का एलएलपी अग्रीमेंट में, उसको फॉलो करके। अब पार्टनर्स की जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो कैसे गवर्न होती है, वो गवर्न होती है एलएलपी अग्रीमेंट के द्वारा। एलएलपी अग्रीमेंट में जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं उसको फॉलो किया जाता है, और अगर नहीं अग्रीमेंट है तो हमें पता है जो शेड्यूल में दिया गया है पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, पार्टनर्स उसको फॉलो करते हैं। और एलएलपी अग्रीमेंट में अगर कोई चेंजेस करना है तो उस चेंजेस को भी रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना होता है। प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट्स में इम्पोज ऑब्लिगेशन इफ़ रेटिफाइड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले भी अगर कोई अग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में या कोई सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी था किसी भी तरह का, और उसको अगर पार्टनर्स इनकॉर्पोरेशन के बाद रेटिफाई करते हैं तो वो भी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पार्ट बन जाएगा वो अग्रीमेंट भी। फिर ये तो वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनके LLP अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो वो क्या उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी जो LLP एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल बताता है। सेक्शन 24 बताता है किस तरीके से पार्टनरशिप इंटरेस्ट को रोका जा सकता है, सीज किया जा सकता है, ठीक है, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो ये हो सकता है अग्रीमेंट या नोटिस देकर, फिर अगर पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, अनसाउंड माइंड का हो गया पार्टनर या इंसॉल्वेंट हो गया, इन सारे चीज़ों से पार्टनरशिप जो है इट कैन कम टू एन एंड। फॉर्मर पार्टनर स्टेटस कंटिन्यूज अंटिल नोटिस इज गिवन और फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। लेकिन फॉर्मर पार्टनर जो पार्टनरशिप को अब छोड़ चुका है उसकी लाइबिलिटी कब तक रहेगी, जब तक ये नोटिस रजिस्ट्रार के पास में फाइल नहीं किया जाएगा कि ये पर्सन अब LLP में पार्टनर नहीं है। और पार्टनरशिप ख़त्म कर देने से, सेसेशन मतलब एक पार्टनर या दो पार्टनर या जो भी लोग पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहे हैं उनका ऑब्लिगेशन कब तक रहता है, पहले तो जब तक उन लोगों ने रजिस्ट्रार को नहीं इन्फॉर्म किया तब तक रहेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन मिलने तक। दूसरा, वो जब तक पार्टनर थे उस टाइम के जो जो ऑब्लिगेशंस हैं, उस टाइम पे जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बनाया था LLP के बिहाफ पे, उन सब में उनका ऑब्लिगेशन हम तब तक रहेगा जब तक वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। फॉर्मर पार्टनर इंटाइटल टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर, और उनका जो अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों ने किया था और जो उनका प्रॉफिट शेयर था वो सब तो उनको मिलेगा ही। ये तो जैसा पार्टनरशिप में आपने देखा है ये उसी तरीके से काम करेगा। अब पार्टनर्स को लेकर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और ये प्रोविजन है सेक्शन 25। पार्टनर्स मस्ट इन्फॉर्म LLP ऑफ नेम ऑफ और एड्रेस चेंजेस, ठीक है। तो पार्टनर्स को पहले LLP को इन्फॉर्म करना है कि वो छोड़कर जा रहे हैं या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एक नोटिस पहले पार्टनर्स को LLP को देना है, या तो उनका एड्रेस चेंज हो रहा है, कोई भी उस इन्फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दिया गया था रजिस्ट्रार को, तो इसका इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स पहले देंगे LLP को। LLP फिर क्या करेगी, LLP टू फाइल नोटिस विद इन 30 days। जब भी पार्टनर्स चेंज हुए हैं या उनका एड्रेस चेंज हुआ है उसके 30 days के विद इन LLP जो है वो नोटिस फाइल करेगी विद द रजिस्ट्रार। नोटिस कैसा होगा, जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब फॉर्म है वैसा, साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड ऑथेंटिकेटेड। और अगर LLP और पार्टनर्स रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो उसके नॉन कम्प्लायंस के लिए उनके ऊपर पेनल्टी होगी। फॉर्मर पार्टनर में फाइल नोटिस इफ LLP फेल्स टू डू सो, और एक पर्सन जो पार्टनर नहीं है छोड़कर जा चुका है वो देख रहा है कि LLP ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दे रही है, तो वो खुद से भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है कि मैं अब इस फॉर्म में LLP में पार्टनर नहीं हूँ। LLP एज अ लीगल एंटिटी और पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो पार्टनर्स एजेंट हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द LLP फॉर इट्स बिजनेस, ठीक है। बिजनेस कंडक्ट करने के लिए सारे पार्टनर्स LLP के एजेंट्स हैं। LLP इज नॉट बाउंड इफ पार्टनर लैक्स अथॉरिटी एंड पर्सन इज अवेयर। कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और थर्ड पार्टी को पता है कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट करने का अथॉरिटी उस पार्टनर के पास नहीं है, फिर भी दैट पार्टनर इज फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ LLP, तो LLP विल नॉट बी बाउंड इन सच सर्कमस्टांसेस। लेकिन पार्टनर ने स्कोप ऑफ बिजनेस जिसके लिए वो ऑथराइज है उसमें कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है, किसी तीसरे पर्सन का थर्ड पार्टी का नुकसान किया है, तो उसकी लाइबिलिटी LLP की होगी। और LLP की लाइबिलिटी को कैसे पूरा किया जाता है, LLP की जो प्रॉपर्टी है उससे उसकी लाइबिलिटी को पूरा किया जाता है। पार्टनर्स जो हैं वो सेक्शन 28 के हिसाब से पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं फॉर LLP के ऑब्लिगेशंस, ठीक है, क्योंकि LLP क्या है वो खुद में लीगल एक एंटिटी है, तो पार्टनर्स LLP के ऑब्लिगेशंस के लिए लाइबल नहीं है। पार्टनर्स रिमेन लाइबल फॉर ओन रॉन्गफुल एक्ट्स, उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ी की है तो वहाँ पर LLP विल नॉट बी लाइबल, वहाँ पर पार्टनर विल बी लाइबल। होल्डिंग आउट, पर्सन रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज पार्टनर लाइबल टू दोज रिलाइंग ऑन रिप्रेजेंटेशन। होल्डिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट है जो पार्टनरशिप में भी आपने देखा है, पार्टनर जो बाय होल्डिंग आउट अपने आप को पार्टनर प्रिटेंड करता है, थर्ड पार्टी के सामने एक पर्सन ये प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं इस ABC LLP का ही पार्टनर हूँ, और उसके बात को मानकर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो वहाँ पर ये जो पर्सन एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है वही लायबल होगा, LLP लायबल नहीं होगा। उसकी वजह से एलएलपी, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो एलएलपी को बेनिफिट मिला है वहाँ उतने तक ही एलएलपी लायबल होगा। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो कॉन्सेप्ट पूरा पार्टनरशिप एक्ट में है वही सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, एलएलपी और पार्टनर्स अगर उनका डेट्स का फ्रॉड है, पार्टनर्स नोइंगली इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, तो उनके ऊपर पनिशमेंट है। और एलएलपी और पार्टनर्स को मिलकर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के लिए जितने भी कॉम्पनसेशन देने हैं वो देना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। विसल ब्लोइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेक्शन 31 के अंदर मेंशन किया गया एलएलपी एक्ट में। ये कहता है कि कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट को जाकर ये बताता है, नोटिफाई करता है कि इस एलएलपी के अंदर इस तरह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है या गड़बड़ हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उस पर्सन का कोर्ट में रिड्यूस और वेव पेनाल्टीज, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आकर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया है कि मैं जिस एलएलपी में हूँ वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो एलएलपी के बिहाफ पे जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से कोर्ट उस पर्सन को कम पनिशमेंट दे सकता है या कम्प्लीटली उसके पनिशमेंट को हटा भी सकता है। और कोर्ट उसको इससे भी प्रोटेक्ट करेगा, कोर्ट मतलब हम लोग कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, और कोर्ट उसको इससे भी प्रोटेक्ट करेगा कि जब वो एलएलपी के अंदर काम कर रहा है तो लोग उसको इसलिए हरास ना करें कि तुमने जाकर गवर्नमेंट को सारा इन्फॉर्मेशन दिया था, तो इस हरासमेंट से भी कोर्ट उसका प्रोटेक्शन करेगा। पार्टनर्स किस तरीके से एलएलपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये दिया गया सेक्शन 32 में। तो टैंजिबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, मनी, सर्विसेज, एग्रीमेंट्स, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशंस आउटलाइन इन एलएलपी एग्रीमेंट, और कैसे किस रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूशन है या कौन क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीज़ें एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन की जानी चाहिए। अब ये डिस्कस करते हैं कि एलएलपी एक्ट के हिसाब से कौन कौन से फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने हैं एलएलपी को। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट की बात आती है सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 में। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है जहाँ पर कैश और अक्रूअल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, और इसको रखा कहाँ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये अवेलेबल होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ये बनाना है अंडर सेक्शन 34 सब सेक्शन 2। इसको 6 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 मंथ्स के विदिन ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इस पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए और इसको रजिस्ट्रार के पास में फाइल किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट का जो ऑडिट का रूल्स है उसी रूल्स के हिसाब से यहाँ पर एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा, और जहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया ऑडिट से वहाँ पर ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होगा, जो सीए एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वही यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना होगा और ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के 16 डेज के विदिन इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा, और अगर नहीं फाइल किया जा रहा है तो उसके लिए भी पेनाल्टीज़ हैं। फिर यहाँ पे जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल होने चाहिए ताकि कोई भी अगर चाहे तो एक फ़ी देकर उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, पढ़ सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमने देखा है उन सारे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, उनमें अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स देता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए भी फाइन और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है एलएलपी से अंदर सेक्शन 38। अब जो असाइनमेंट ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने पार्टनरशिप में देखा है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 42। ये कहता है पार्टनर्स राइट्स आर ट्रांसफरेबल होली और पार्टली। ट्रांसफरेबल मतलब किसी थर्ड पार्टी को अपना जो इंटरेस्ट है इन द पार्टनरशिप, जो बेनिफिट मिलने वाला है पार्टनरशिप से, उसको ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, इसी को हम असाइनमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी पॉसिबल है। ट्रांसफ़र डज नॉट कॉज डिसोसिएशन और डिसोल्यूशन। ट्रांसफ़र करने का ये मतलब नहीं है कि अब वो पर्सन पार्टनर नहीं है, पार्टनर वही पर्सन है, उसका बेनिफिट जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है। ट्रांसफ़र डजन ग्रांट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, और जैसा पार्टनरशिप एक्ट में हमने देखा है जो ट्रांसफरी है उसको पार्टनरशिप के बिजनेस में इंटरफेयर करने का कोई राइट्स नहीं मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रांसफरी के पास एलएलपी के बिजनेस में इंटरफेयर करने का कोई राइट्स नहीं होगा। अब ये कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इनटू एलएलपी, ये हमने पहले डिस्कस किया है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्शन नंबर जानना है कि कहाँ पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, कौन उसकी बात करता है, ओके, उससे यहाँ पर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एलएलपी के वाइंडिंग अप प्रोसीजर को देखते हैं। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बारे में मेंशन करता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है दो तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है, एक वॉलेंटरी, एक बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल कब वाइंड अप करता है इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 64 में। कब कब ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप होगा? इफ़ द एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर एलएलपी चाहती है कि वो ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप करे तब ट्रिब्यूनल से वाइंड अप होगा, और वाइंडिंग अप प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो एलएलपी है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इफ फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2। दो पार्टनर से अगर एक पार्टनर पे आ जाता है एलएलपी और 6 months तक दूसरा पार्टनर उसको ज्वाइन नहीं करता है तो भी ट्रिब्यूनल एलएलपी को वाइंड अप कर सकती है। इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, किसी भी तरीके से कंट्री को खतरा पहुंचाने वाला काम अगर एलएलपी ने किया है तो ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप कर सकती है। इफ द एलएलपी हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स, 5 फाइनेंशियल ईयर्स से अगर एलएलपी ने ये सारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर है वो नहीं किया रजिस्ट्रार के पास, तब भी एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी बी वाउंड अप, और एलएलपी ऐसे सिचुएशन में बिजनेस कर रही है जिससे कि ट्रिब्यूनल को लगता है कि एलएलपी को वाइंड अप कर देना ही बेटर है, उस सिचुएशन में भी एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। तो वाइंडिंग अप का रूल्स और जो पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल्स बनाकर उसको बता सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। जो डिटेल रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी अंडर सेक्शन 65। कुछ अदर मिसलेनियस प्रोविजंस जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एलएलपी में वो है एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप, ये सेक्शन 66 में मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी प्रोविजन को चाहेगी फ्रॉम कंपनीज एक्ट उसको नोटिफिकेशन देके एलएलपी पे एप्लीकेबल कर सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट के लेट फाइलिंग का फी लगेगा अंडर सेक्शन 69, और एक ही रॉन्गफुल एक्ट अगर एलएलपी या उसका कोई पार्टनर बार बार कर रहा है तो हर सेकंड टर्म पे उसका जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगा। एक बार पनिशमेंट जो है वो एक बार फर्स्ट टाइम करने के लिए उतना पनिशमेंट है, सेकेंड टाइम अगर सेम रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसके लिए उसका पनिशमेंट डबल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 70 में। अब हम एलएलपी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं, एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है। एलएलपी जो है ऑब्वियसली एलएलपी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर फॉर्म होता है। एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है जिसका डेफिनेशन हमने एलएलपी के शुरुआत में देखा था। एलएलपी जो है वो लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एलएलपी का जो फॉर्मेशन है वो इनकॉर्पोरेशन से होता है, लेकिन पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट से होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बिना वो एक लीगल एंटिटी बन ही नहीं सकता है, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो वॉलेंटरी है। पार्टनरशिप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, नहीं भी करवा सकता है। अब यहाँ पर डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स से कोई इफेक्ट नहीं होता है। एलएलपी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, जबकि ऐसा परपेचुअल एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप का नहीं है। अगर पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एलएलपी के नाम में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी लिखना ज़रूरी होता है, ऐसा पार्टनरशिप में लिखना ज़रूरी नहीं है, वो अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है जब तक उन लोगों ने कोई फ्रॉड ना किया हो, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का जो रिलेशनशिप है वो एलएलपी में सिर्फ एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, पार्टनर और दूसरे पार्टनर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट एलएलपी में है, ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ भी पार्टनरशिप में नहीं है। कॉमन सील एलएलपी चाहे तो वो रख सकता है, लेकिन कॉमन सील का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि एलएलपी को पार्टनरशिप के बिजनेस मॉडल से डिफरेंट बनाते हैं। कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं पार्टनरशिप और एलएलपी में। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं एलएलपी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एलएलपी एक्ट को फॉलो करके बिजनेस चलाया जा रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंप्लायंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी को बहुत तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार, जो भी हमने डिस्कस किया है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। फॉरेन नेशनल्स भी एलएलपी में पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन फॉरेन नेशनल्स पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। माइनर्स को बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए एलएलपी में एडमिट नहीं किया जा सकता है, जबकि बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर माइनर्स को एडमिट किया जा सकता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और कंपनी। तो एलएलपी एक्ट के अंदर फॉर्म होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। यहाँ पर पार्टनर्स कहते हैं जो लोग भी उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बिजनेस को चला रहे हो, एलएलपी में उसको पार्टनर्स कहते हैं, जबकि उनको मेंबर्स कहते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। इंटरनल गवर्नेंस जो एलएलपी का है वो कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है, जिससे भी उसको रेगुलेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन की हुई हैं। एलएलपी के नाम में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना मैंडेटरी है, लेकिन जबकि कंपनी में किस टाइप की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड, इस तरह की सफिक्स को यूज़ किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कि रिक्वायर्ड है एलएलपी में वो 2 है, लेकिन कंपनी में किस टाइप की कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 है, मैक्सिमम 200 है, पब्लिक कंपनी में 7 है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। इस तरीके से 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन से भी फॉर्म की जा सकती है। तो प्राइवेट कंपनी किस तरह की कंपनी है उस पर डिपेंड करता है कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। यहाँ पर एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बट डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ कंपनी इट इज। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स है, इस तरीके से किस तरह की लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी, वो उस पर डिपेंड करेगा। एलएलपी में जो बिजनेस है वो सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, और अथॉरिटी किसका होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है। लेकिन कंपनी में कंपनी के अफेयर्स को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट सिर्फ एलएलपी में प्रेजेंट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में प्रेजेंट नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जगह पे वहाँ पे डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो यही सारे डिफरेंसेस जो हैं वो एलएलपी को कंपनी से भी अलग बनाते हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एलएलपी जो है उसका जो प्रोसीजर है वो कंपनीज एक्ट से बहुत लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और वहीं अगर हम पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने की रूल्स रेगुलेशंस पार्टनरशिप में मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।